मैं तो मैंने मजे करी हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ राजा बात फैजा मेरा कौन सा ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। आज भाई बहुत मौसम के साथ में 44 वोल्ट वाली बिजली फेल की है, बहुत अच्छे लग रहे हो। और काकू ने पोजीशन देखो, डिजाइन देखो, असली डालडा कले हन। ए साजी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी हाँ, मेरा नाम झटक दीन। झटक दीन, झटक दीन। और तुम्हारे पिताजी का नाम? गिरालीन। और तुम्हारे भाई का नाम? मटक दीन। और तुम्हारी माँ का नाम? वासलीन। तुम्हारी बीवी का नाम? पिंसलीन। तुम्हारी बहन का नाम? बोरलीन। ये कैसे नाम है? हम लीन खानदान से पैदा हैं। ये तुम्हारे सगे भाई हैं? सगे भाई, एक्का मोहरी, एक्का नाबदान, एक्का कुलाबा। ए, लेकिन तुम काले ये गोरे हैं? बातें मत, तुम परेशान हो। ये काले है कि हम गोरे हैं, तुमका फर्क महसूस हुआ जी? ये को भट्टा चलत है? हाँ। का भट्टा सब ईटा एक दिन का नहीं करो? हाँ, लेकिन वहाँ पर झोंकवा 4-5 होते हैं। हमारे 10-12 रहे, इनकी नहीं है, बिहार वाला आ रहा है। अच्छा, कैसे बताओ? बात यह कि हम दोनों जैसे सगे भाई, एक मोहरी, एक नाबदान, एक गुलाबा, थारा पैदाइश के टाइम अंतर हो गया। अंतर कितना? मान ली 9:60 पे हम 10 बजे। ए, दोनों बात एक ही तो है। और कितना? हम दिन से रात से, अम्मा से, बाप से, मर्जी से, जुनरी से, हम खतरा से, खतौनी से, मुझेरी से, पचौनी से, बाकी फर्क ही हुआ कि हम अम्मा दूध पियाई, बप्पा दूध पियाई। बदतमीज नालायक इडियट उस्ताद जी। अरे पिताजी का दूध कहाँ होता है? तुम्हारा दिमाग में आलू बोए है का? क्यों? ये पैदा भाई, जैसे हम पैदा भाई तो अम्मा हो गए खत्म, तो बप्पा डिब्बा वाला पियर है। और का तुम जानो तुम बप्पा पनान ठाड़ रहे हैं? भगवान करे इनके जवानी बरकरार रहा, दुकान में सौदा भरा रहा, लगे रहे। अच्छा, हाँ, ससुराल जाओ, सास कहानी नहीं, आंधर वो क्यों? आंधर सास मिले, अंधेरे उजेरे, बोरिया दुबरिया, गोह चोर बेच लियो, आराम से खर्चा चला करी। संजय सवेरे हम चले तुम क्या करने आओगे? हम चले बेकार बोरिया धान धर के चले हुए। धान? अरे धान खत्म हो गया, धान सारा चावल बन गया है। हाँ, चावल बन गया तो कोई बात नहीं, भात बना के चले हुए। आइए, तुमका मार चटा दे। सभी के लिए खास तौर से कहना है? सभी के लिए? हाँ, हमारे लिए नहीं कहना जी। नहीं, नहीं, ये हमारे चेत राम भाई साहब खपरहला निवासी, एक तुम्हारे लिए 10 रुपए नो राइटिंग कलम मान लिया बोहनी करो जी, जी, जी। लेकिन उनका जान तो का सुना दियो? क्या? उतार बिच्छू घांगरा मारे शरम की दैया। क्या बात है, यू गाना टाइम पैक भाई उनका जरूर सुना दियो। लेकिन उनके लिए खास तौर से कहना है? क्या कहना है? कहना है कि मोहब्बत रंग देती है जब दिल दिल से मिलता है। उस्ताद जी, मोहब्बत रंग देती है जब दिल दिल से मिलता है, और जिसकी चाह होती है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। का ये बात सही है? 100%। लेकिन एक बात है जी, न दौलत से मिलती है न शोहरत से मिलती है, न दौलत से मिलती है न शोहरत से मिलती है, मोहब्बत सभी को बड़ी किस्मत से मिलती है। वो बात राइट है। और शरीफ भाई तुम्हारे ऊपर क्यों मर रहे? क्यों मरे? क्योंकि तुम्हारी शक्ल उनकी औरत से मिलती है। ए, कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। क्या बात है, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। क्यों नहीं होती? मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। अच्छा। और अमानत पे कभी कयामत नहीं होती। और जो फंस गया इनकी मोहब्बत के जाल में, जिंदगी भर उसकी जमानत। ये हमारे अंसार भाई भोसवल से आए हैं, ये जो हमारे अली अहमद मैनेजर हैं, उनकी खाला पे खुश होकर के ये 20 रुपए नो राइटिंग कलम बन भाई तुम्हारे लिए दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद। ए, कहना है कि ये मेरी जवानी भी क्या जवानी है। अरे जवानी, ये मेरी जवानी भी क्या जवानी है। और जैसे दिल्ली राजधानी है, हजारों डूब गए इस हुस्न के समंदर में, मगर पता लगा न सके इसमें कितना पानी है। डॉक्टर नहीं, मैं पता नहीं को समाज आ रहे, तो डॉक्टर है समाज है, हम निकाले कोशिश कर रहे, देखो फिर न समाज है।
जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत दिया है, तुम्हारी तारीफ कर दे, तुम्हारी तारीफ कर दे। तुम्हारी नदिया की कितनी सुपर सुपर धार है, तुम्हारी नदिया की कितनी सुपर सुपर धार है, और हमको ये बात पता है कि तू पक्की। पिता को दिमाग शायद कदे नाला की डेट पर है। गाली क्या दे रहे हो? गाली दे रहे हैं, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ ऐसे किया जाता है, कहे तारीफ में कौन कमी है? फिर से बात कहो। तुम्हारी नदिया की कितनी सुपर सुपर धार है, हाँ। और हमको पता है कि तू पक्की होशियार है, और तुम्हारी जवानी का दिल्ली की राजधानी है, हाँ। तो पता कर लेना बीच में कुतुब मीनार। लेकिन कहना है, हाँ? कि जाननी जान जो होती है सितारों से नहीं, अच्छा? और मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। गलत है बात। चांदनी चांद से होगी अंसार भाई, चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा? क्या होगा? अब मोहब्बत तुम एक से करोगे तो इन हजारों का क्या होगा? ए, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है? क्या कहा है? कि ये दिल तो किसी एक को भी किसी ने एक को, अच्छा, और ये मंदिर का प्रसाद नहीं है जो बांट दो हर एक को। मैं भी कहता हूँ, दिल दो किसी एक को भी किसी ने एक को, हाँ, दिल दो किसी एक को भी किसी ने एक को, और जब तक वो नेक ना मिले मौका दे दो हर एक को। नजर वफा थे नजर सनम थे नजर चुराते नजर को देखा, नजर वफा थे नजर सनम थे नजर चुराते नजर को देखा, और नजर पड़ी थी नजर के ऊपर नजर झुकाते नजर को देखा। समझ कर समझे, समझ समझना ही एक समझ है। समझ कर समझ को समझे, समझ समझना ही एक समझ है, और समझ कर समझ न पाए मेरी समझ में वो ना समझ। वह ना समझ भैया। और देखे सद्दाम भाई की बाजी की तरफ से, हाँ, ये 10 रुपए नो राइटिंग कलम बंद आए हुए, शुक्रिया धन्यवाद। ए, तुम क्या समझते अपने आप को? तुम क्या समझते अपने आप को? मैंने भी दूध पिलाया तुम्हारे बाप को। वारे भगवान, ये हमारे बाप्पा का दूध पिया इन्हें, और क्या दादी पान लगी खुश रहो पोते। अतनी बड़ी तुम्हारी हिम्मत हो गए? मेरे बाप को दूध पिलाए इतनी हिम्मत तेरी है? हाँ? मेरे बाप को दूध पिलाए इतनी हिम्मत तेरी है? तुझको सुबह घर ले जाऊंगा क्योंकि तेरे पास दूध डेरी है। तुम्हारी जैसे लोग हैं जो पहले दिल लेते फिर ईमान लेते हैं, पहले दिल लेते फिर ईमान लेते हैं, और बाद में जान लेते हैं, अरे मतलब कि हर बात पकड़ लेते हैं, अगर उंगली मिल जाए तो हाथ पकड़ लेते हैं। या हम आप बुराइयां कर रहे हैं, यानी हमने जैसे लोग अत्ते खराब हुआ था, और क्या? और तुम्हारी जैसी कैसी होती है? कैसी होती है? अब है प्रयागराज में यहाँ मेहरुआ के एक सफाई कर्मी आदमी बेचारा, कर्जा लेकर पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दी, अब हुई के ऊपर दहेज का केस कर दे, दूसरे फंस गए, वही तिनकी तुम्हारी तिनकी। ए, हस्ती थी आजादी थी जी, तुम्हारी जैसी औरत हस्ती थी आजादी थी, रोती थी रुलाती थी, एक दिन शरीफ के साथ भाग गई तो पता चला साली हमको चूतिया बनाते। ओ भैया, ये वही जाना पहचाना नाम हमारे नरगिस टेंट लाइट हाउस घर मालिक हैं, 100 करोड़ से 10 रुपए कलम बंद इनाम दिए, कहते भाई कंपटीशन कोई हारे भी चाहिए, शुक्रिया धन्यवाद। वर्षा जी, आपने जो बात कही अभी वो बात सत्य है, लेकिन एक बात और है। और कौन बात? पढ़ा लिखा मर्द। सुनो, ये तुम्हारी जिंदगी यही तिनकी औरतें, आगे जो आवे वाले समय में लोग अपनी मेहरुआ पढ़ा लिखा के आगे बढ़ावा चाहते हैं, उनके रास्ता बंद हो जाए, कौन पढ़े अपने मेहरुआ? ये बात तुम्हारी सच है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा मर्द अनपढ़ बीबी के साथ जिंदगी बिता सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी बीबी अनपढ़ मर्द के साथ जिंदगी नहीं बिताएगी। हाँ, यह बात सही है। एक बात और भी सही है। कौन सही है? कि आदमी अगर नौकरी पा जाए कमाता है तो अपनी औरत के लिए सब कुछ करता है, लेकिन अगर औरत नौकरी पा गई पैसा कमाने लगी तो वो समझती हमें पति की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन औरत अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आती है, तुम्हारे सिवा होगा कौन जो तुम्हें चाहेगा नहीं? आइए, कहना है। क्या कहना है? कह दूं, गौर से सुनना हमारी बात को। इनके जैसे लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं? जनवरी दे दो तो दिसंबर मांग लेते हैं, अरे धरती दे दो तो अंबर मांग लेते हैं,
अरे हंसकर दो चार बातें क्या कर लो इनसे, तो ये कमीने मोबाइल नंबर मांग लेते हैं। हम कमीने हैं, दो साल से नंबर दे लौंडिया, लेकिन आज तक अपने बाप से नहीं बता पाई। क्या तू जब तक साथ है मेरे दिल आबाद है मेरा, तू जब तक साथ है मेरे दिल आबाद है मेरा, तू अपने बाप से कह दे यही आबाद है। और क्या और क्या, इनकी शक्ल देख लो, इनकी पोजीशन देख लो, शक्ल बना जाओ, पैसा ले जाओ, तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए एक बात तुम्हें समझा देती हूँ, कहना ए जी, कि मुझे नादान में समझना, मैं सबको समझती हूँ। अच्छा, मुझे नादान में समझना, मैं सबको समझती हूँ, और तुम्हारे जैसे ना जाने कितने को अपने लहंगे में छिपा के रखती हूँ। हो राजा मोरे आनंद आई है। चुप, तू बहुत बोलती है, तू बहुत बोलती है, तो जरा बोल के दिखा, तू बहुत बोलती है तो जरा बोल के दिखा, और हमारे जैसे कितने छिपाए अभी लहंगा खोल के दिखा। पत्मीन हलाय कहीं के, मुस्कुराना हम जैसी लड़कियों की अदा है, इस बात का जवाब बात से देना, वरना कल से तुम इस नौटंकी में नहीं आओगे। नहीं आना पड़ेगा भैया, ये वही जाना पहचाना छाया नाम नरगिस टेंट लाइट हाउस घर मालिक। हाँ, वो चच्चा बेर बेर कहा जाओ, उनको पठाओ जाओ, इनके बाद पूरे जो चच्चा तब आए पई है। ये कहा लड़ाई लड़ाई, हाँ हम न जावे, वो तीन दिन लौटार चुके, कहा लड़ाई लड़ाई की तुम्हारे लगे आवे। ए दस रुपए अब की बार तुम ले लियो, लेकिन उनका कहना मर्दन का मामला है, मर्द तुम्हारा हुआ बात हार एक न चाहिए। हाँ, लेकिन उनसे बता दो, औरतों का जमाना चल रहा है, जमाना जा जाता है, औरतन कर रहा है, औरतें जहाँ है वहीं रही है, लड़ुआ सरकार चल रही है, हम जाने दे। कहना है मुस्कुराना हम जैसी लड़कियों की अदा है, और इस अदा पे हर दीवाना फिदा है, और जैसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गदा है। यू ब्रेडी फुल नमक इंसान इंडियन नलाय नोशन। हम गदहा होई, कोई से गधे जैसा शरीर बना रखे हो, क्या हुआ अंसार भाई, जवाब नहीं आता। हम गदहा होई कहा था उक दिए। अब ये गदहा काम तो देखो नहीं। हाँ, वो कपड़े धोता है ना, धोबी के पास। एक अलावा और एक काम का दुकान नहीं देखो, और कौन सा काम करते ये कहे, अब वाकई में तुम गधे हो, गधे की परछाई पड़ गई तुम में। लेकिन मैडम, जिसको तुम गधा कहती हो, जिसको तुम गधा कहती हो, वही एक दिन तुम्हारी मांग सजाएगा मेरी, और अपने छोटे छोटे बच्चों की अम्मा तुम्हें बनाएगा, और फिर आधार कार्ड पे नाम कैसे बदलोगी? क्यों? क्योंकि तुम भी इसी गधा की गधही कहलाओगी। ये देखिए आरजू की तरफ से भाई 20 रुपए आए हुए हैं, 10 तुम ले लियो। और आरजू के नाम से कोई शहर बढ़िया बोल दियो। ए, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। की के साथ रही है? अब मैं शरीफ भाई जान के साथ जाऊंगी और उनके घर बैठ जाऊंगी। बंदूक ले आ रहे। बंदूक क्या करोगे? शरीफ के गोली मार दिया। पहले मुझसे मिलिए, अब देखना हमारे लिए वो तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अगर तुम शरीफ के घर बैठ गई हो, हाँ? तो अली अहमद के अब्बा सत्तारी, तुम क्या करोगे? हम उनके घर बैठ गया, उनके अब्बा जी के घर, लेकिन तुम उनके साथ करोगे क्या? तुम शरीफ के साथ क्या करोगे? हम जोन रात का तुम्हारे साथ करी रहा है भाई, उनके साथ कर रहे हैं। हम रात का तुम्हारे साथ करी रहा था, अली अहमद के अब्बा साथ कर रहे हैं। बदतमीजो, अरे वो बुढ़े हो गए हैं, क्या करेंगे? गोसे मजा हड्डी माँ, यही का मजा बुढ़े माँ। बहुत बदतमीजो। अरे भाई, इस बात पे खुश हो करके हमारे मल्लू भैया, इसी गांव के रहने मल्लू भैया, ये भाई आप लोगों के शायरी पे खुश होकर के मल्लू भैया 10 रुपए आप लोगों के लिए दिए हैं, शुक्रिया। आइए, एक छोटी सी कवाली।